यूपी में भी आम चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। 10 अप्रैल के बाद यूपी में जनसभाएं शुरू करेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई नेता करेंगे रैली और सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह करेंगे रैली। सहारनपुर में प्रस्तावित है प्रियंका गांधी की रैली, बुलंदशहर में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली का प्रस्तावित, और जाट, गुर्जर, ओबीसी और पिछड़ों पर रहेगा फोकस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बुलंदशहर में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली प्रस्तावित है, जाट, गुर्जर, ओबीसी और पिछड़ों पर फोकस रहने वाला है। इसी के साथ यूपी में भी आम चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। 10 अप्रैल के बाद यूपी में जनसभाएं करेंगी कांग्रेस। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई नेता रैली करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह रैली करेंगे। सहारनपुर में प्रस्तावित है प्रियंका गांधी की रैली, और इसी के साथ आपको बता दें कि बुलंदशहर में मल्लिकार्जुन की रैली प्रस्तावित है, और साथ ही साथ जाट, गुर्जर, ओबीसी और पिछड़ों पर कांग्रेस का फोकस रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी, यूपी में आम चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है 10 अप्रैल के बाद। आपको बता दें कि 10 अप्रैल के बाद यूपी में जनसभाएं शुरू करेगी कांग्रेस। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह रैली करेंगे। और इसी के साथ सहारनपुर में प्रस्तावित है प्रियंका गांधी की रैली, बुलंदशहर में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली प्रस्तावित है। इसी के साथ साथ आपको बता दें जाट, गुर्जर, ओबीसी और पिछड़ों पर रहेगा कांग्रेस का फोकस। और तमाम जानकारी के साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, देखिए 10 अप्रैल के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है यहां पर अपनी रैलियां करने वाली है, किस किस दिग्गज के यहां पर रैलियां प्रस्तावित की गई हैं? बिल्कुल निशा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए का जहां प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसको लेकर भी अब कांग्रेस कहीं ना कहीं 10 अप्रैल के बाद प्रचार प्रसार करने की बात कह रही है। जिस तरीके से बात करें तो सहारनपुर में जो है प्रियंका गांधी जो है पहली जो है प्रस्तावित रैली उनकी देखी जा रही है। इसके साथ ही बुलंदशहर की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वहां पर प्रस्तावित रैली देखी जा रही है। इसके साथ ही तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के जो कांग्रेस में उनको जो है जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात की मात्र 13 दिन बचे हैं जो है पहले चरण के मतदान के। 19 अप्रैल को पहला मतदान होगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जो है 8 सीटों पर मतदान होगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए पहले से ही दिखाई दे रहे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें वो अभी प्रचार प्रसार नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अब प्रस्तावित 10 अप्रैल के बाद जो है कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार शुरू होगा, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, चाहे सचिन पायलट की बात करें, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, इन सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे रैली की, जनसभाएं की, रोड शो की, वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। और 1800 से लेकर 2200 तक जो है बूथ अध्यक्षों को जो है नियुक्त करने की बात भी सामने आ रही है कि जो इसके साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस की जो जमीन उत्तर प्रदेश में खोई हुई है कहीं ना कहीं उसको वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी धीमी दिखाई दे रही है। ऐसे में किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे ये लोग, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, तमाम उसमें वादे किए गए हैं, उन वादों को लेकर कैसे जाएगी, विपक्ष के किन मुद्दों को घेरती हुई दिखाई देगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र से कांग्रेस प्रचार प्रसार करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है, बाकी 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन के साथ जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चाहे जाट की बात की जाए, चाहे गुज्जर की बात की जाए, चाहे दलित वंचित की बात की जाए, इस पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस फोकस करती हुई दिखाई देगी। कितना फायदा होगा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर देखने को मिला है कि इंडिया गठबंधन में अभी भी ज्यादा कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है निशा, यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में रमी हुई है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी भी प्रचार प्रसार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब प्रचार प्रसार की बात सामने आई है। जो उनके स्टार प्रचारक है वो अब पश्चिम यूपी से प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। जी,
लालचंद वही बात कर ली जाए, देखिए एक सीट जीतने वाली कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की गई और इस बार 17 सीटों पर कांग्रेस जो है यूपी में लड़ने जा रही है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है, देखिए एक सीट कांग्रेस जीती थी और 17 सीटें उसे मिली हैं, उसे ऑफर की गई हैं, लेकिन बड़ी चुनौती, क्या बड़ी चुनौती रहने वाली है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है, जहां अमेठी और रायबरेली पर भी अभी संशय बना हुआ है। लगातार उस पर जो है सत्ता पक्ष तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उस पर भी जो है पक्ष ने जो है अपना तंज कसता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जो 2 सीटें थी उसको तो अभी तक बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन वो कैसे बचा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार देखने वाले रायबरेली से जहां सोनिया गांधी जीती थी वो राज्यसभा चली गई हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों सीटें जो कांग्रेस की जो है परंपरागत सीटें थी उसको भी बचा पाती है कांग्रेस या नहीं, क्योंकि अभी भी प्रत्याशियों का जो है चयन नहीं हो पाया है। इसके साथ ही 17 सीटों पर जो चुनाव लड़ना दी गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो भी जमीन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस की खोई है। उसको वापस पाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तोड़ मेहनत की है, उसका कितना फायदा होगा, क्योंकि उनको अंतिम समय में कहीं ना कहीं कमान दी गई उत्तर प्रदेश में, उसका कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। समाजवादी पार्टी का उसको कितना सपोर्ट मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी प्रत्याशियों के चयन में भी जो है इंडिया गठबंधन उलझा हुआ है। और इसके साथ ही प्रचार प्रसार का जो अभी तक भी जो वो सराबा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी पूरी तरीके से अब प्रचार प्रसार करने की बात कह रही है, वो भी 10 अप्रैल के बाद। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो जमीन खोई हुई है कांग्रेस की वो कैसे वापस पाएगी ये देखने वाली बात होगी। इंडिया गठबंधन उनको कैसे वापस दिला पाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि जयंत चौधरी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 2022 के समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने भी नाता तोड़ दिया है, ओम प्रकाश राजभर ने भी नाता तोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं अब वो एनडीए के साथ में, तो इनका सबका भी खामियाजा कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। अब इंडिया गठबंधन भले ही प्रचार प्रसार करने की बात कर रही हो, लेकिन सत्ताधर एनडीए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई दे रहा है, पश्चिम से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में अब जो 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 17 सीटें कांग्रेस के पास है, उस पर कितना ये लोग जोर आजमाइश करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी निशा। चलिए बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।